तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युगांडा मेंस कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का तीसरा मैच और टूर्नामेंट का 55वां मैच जो कि खेला जाएगा ट्विलाइट वर्सेज सुपीरियर क्लब के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई इसमें आपका ही लॉस रहेगा। लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो इजीली इस मैच में काफी शानदार विनिंग कर सकते हो। तो अगर भाई चैनल पर आ ही गए हो ना तो वीडियो को देखकर ही जाना। दूसरी बात यार, आपका एक एक लाइक है ना बहुत मोटिवेट करता है, और देखिए लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, ना ही आपकी जेब से कोई पैसे जा रहे हैं, दूसरी बात ना ही मतलब कुछ और हो रहा है। और यहां पर आपके लिए 50 लाख रुपए की जीएल लगी हुई है। अब देखिए यहां पर आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि भाई आप सिर्फ 5 ही टीम क्यों देते हो, 10 टीम क्यों नहीं देते। तो भाई देखिए, अगर इस वीडियो पर आप 100 लाइक करवा देते हो, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको 5 से ज्यादा टीम दूंगा, ठीक है, 6 टीम दूंगा, 8 टीम दूंगा, या अगर मतलब 100+ लाइक हो जाएंगे तो मैं चलो 10 टीम दे दूंगा आपको जीएल की, ठीक है। और इस मैच में भाई जीएल आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यार आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि भाई 10 टीम बनाने में जितनी मेहनत लगेगी ना वो यार मेरे को ही पता है। क्योंकि टीम ऐसे नहीं कि किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट करके टीम बना दो, एक एक प्लेयर का कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ता है, उसके बाद भाई जाकर आपकी टीम बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, जो ग्रैंड लीग की टीम आएंगी ना वो आएंगी टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर लाइनअप्स, क्योंकि अगर अभी मैं आपको टीम दे दूँ इस वीडियो में बना के चलो अभी बना के दे दूँ, तो फिर मतलब होगा क्या कि अगर कोई एक प्लेयर नहीं खेला ना तो आपकी 10 की 10 टीम वेस्ट हो जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो फाइनल अपडेट है ना वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको स्मॉल लीग की भी फाइनल टीम और ग्रैंड लीग की भी भाई 10 टीम मैं आपको दे दूंगा अगर 100 लाइक होते हैं वीडियो पर। अगर 100 लाइक नहीं हुए तो भाई फिर यार मन नहीं करेगा, क्योंकि यार एक तो वीडियो से मतलब वीडियो में ये वीडियो बनाने के लिए आपके लिए 1 से 2 घंटे की मेहनत करो, उसके बाद यार ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए आपके लिए 30 मिनट की मेहनत, तो आप खुद समझते हो यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो इंसान को चाहिए, तो इसीलिए बोल रहा हूँ लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं दोनों टीम्स की पॉइंट्स टेबल में क्या पोजिशन है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर भाई ट्विलाइट की टीम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मैच में से भाई 8 मैच जीते और 2 मैच हार के आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 68 के पॉइंट डिफरेंस के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, +68 का है भाई। वहीं अगर बात करोगे भाई यहाँ पर इनका स्कोर मतलब पॉइंट डिफरेंस ना वो काफ़ी कम है, मतलब बिल्कुल क्लोज मैचेज विन किए हैं, तो ये एक इनके लिए आगे जाके समस्या बन सकती है, क्योंकि जो इनके अलावा जिन्होंने भाई इनसे ज़्यादा मैच खेले और सेम मैच इतने ही मैच या फिर इनसे कम भी मैच विन किए जैसे मसाका ने, तो उनका स्कोर डिफरेंस काफी हाई है। वहीं अगर बात करें सुपीरियर क्लब की, तो 10 मैच में से 5 मैच जीते, 5 मैच हारे, -44 का इनका स्कोर डिफरेंस है। अब अगर यहां से भाई बात करें टीम की, तो टीम मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 एक बार देख लेते हैं। वार जैगवार्स की तरफ से सॉरी जो ट्विलाइट्स की टीम है इनकी तरफ से स्टार्टिंग 7 एक बार देखते हैं पहले, उसके बाद वार जैगवार्स की बात कर लेंगे। यहां पर भाई अकम पुरीरा मस्ट पिक, इवन भाई जीएल मिनी जीएल में सीवीसी भी बना सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई रेडिंग डिफेंस प्लस आपको रेड बोनस हर तरीके से पॉइंट लेते दिखेंगे। एच मबोबो भी आपके लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे, जितने भी मैच में स्टार्टिंग 7 में रहे अच्छी परफॉर्मेंस किया है। एम कटुंबा की बात करें तो लास्ट के 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, सेकंड लास्ट मैच में 3 टैकल, उससे ऊपर वाले मैच में यहां पर 1 टैकल किया, तो बहुत ही ठीक ठाक प्लेयर लग रहे हैं, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो इजिली। वही अगर बात करें भाई यहां पर इनके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पर आपको डिफेंस सेक्शन में नहीं दिखेगा। अब अगर यहां पर भाई बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, यहां पर पीयूष मुसुंगू लगातार आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते दिखेंगे, बीच में 2-3 मैच खराब गए थे क्योंकि इंजरी की वजह से बाहर भी बैठे थे और इंजरी की वजह से कम भी खेले थे, और यहां पर अगर बात करें तो लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर से अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। वही अगर बात करें भाई आई किरागा की, तो आई किरागा भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इवन भाई इन्हें आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक कोई एक आधा मैच ही गए जिसमें परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो जीएल मिनी जीएल में तो भाई जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में
सीवीसी ट्राई कीजिएगा, रेडिंग डिफेंस दोनों तरीके से आपको शानदार पॉइंट देंगे। एस मुटेबी की बात करें तो एस मुटेबी को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच को निकाल दो। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ऐसे मैचेस जिनमें इस सीजन में इन्होंने कमाल किया है, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 मैच तो अकेले मतलब कमाल धमाल करते जा रहे थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो एस मुटेबी भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ से आपके लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से रहेंगे, उनमें से किसी एक आधे पर रिस्क लेकर हम बाकी प्लेयर्स को ट्राई करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें एस मुटेबी, आई किरागा, 2 प्लेयर यहाँ से हो गए, पीयूष मुसुंगू यहाँ से हो गए 3 प्लेयर, और यहाँ से देखिए एच मबोबो और ए अकमपुरीरा, इन भाई यहाँ पर जो इन ये प्लेयर है ये भाई टोटल हो गए 5 प्लेयर। इन 5 प्लेयर में से कोई 3 या 4 प्लेयर आपको ट्राई करने, 3 से कम ट्राई नहीं करने, 4 से ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि सुपीरियर क्लब की तरफ से भी हमें फिर अच्छे प्लेयर्स ट्राई करने हैं। अब अगर इनकी तरफ से बात करेंगे तो आर तुमुसुजा आपको दिखेंगे जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, लास्ट के 3 मैच में से 2 मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मुटेबी की बात करें, अगेन आपके लिए एक जीएल मिनी जीएल लायक ठीक ठाक प्लेयर है, स्मॉल लीग में थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा। के किम बुगवे की बात करेंगे तो ये भी आपके लिए एक मस्ट पिक रहेंगे, रेडिंग डिफेंस दोनों तरीके से पॉइंट देंगे, और यहाँ से आपकी टीम में 101% इनकी जगह बनेगी बनेगी। वहीं अगर बात करें एक कीजा की, तो अगर एक कीजा देखिए यहां पर देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि ये सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आ रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट लिस्ट में रहकर भाई ये फ्लॉप भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, तो दिक्कत यही सबसे बड़ी है भाई। अब मतलब दिक्कत ये है कि यार देखिए स्टार्टिंग 7 में रहेंगे ना तो ट्राई करने में मजा आएगा, अगर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में रहेंगे ना तो अगेन भाई थोड़ा सा रिस्की रहेगा पिक करना, बट फिर भी आप इनको ट्राई कर सकते हो क्योंकि टीम इन्हें सब्स्टिट्यूट में रखकर भी हर मैच खिला रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट एक आधा मैच आपका खराब भी करवा सकते हैं अगर टीम ने इन्हें नहीं उतारा तो, ठीक है। तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है। इसके अलावा यहाँ पर एस गोम स्टार्टिंग के कुछ मैच में, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद भाई लगातार एवरेज परफॉर्मेंस ही निकल के आई है। वहीं अगर भाई बात करोगे तो इनके अलावा यहां पर आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, एम तेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए जीएल मिनी जीएल प्लस स्मॉल लीग दोनों जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बट अब हम इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, एम तेन और ए कीजा को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी प्लेयर यहां पर स्टार्टिंग 7 में रहे उनको आप ट्राई कीजिएगा। एस गोम भाई पोटेंशियल काफी ज्यादा है, हालांकि ये सीजन पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेले, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें ना जीएल मिनी जीएल की एक आध टीम में रखिएगा और वीसी भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार प्लेयर है। बात कर लेते हैं भाई इनके मेन प्लेयर यानी कि आर ससक मैटे की, जो कि रेडिंग सेक्शन में प्लस डिफेंस में आपको हर तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते दिखेंगे। मेन काम इनका रेडिंग का रहेगा, लेकिन बीच बीच में आकर भाई डिफेंस में भी अच्छे खासे टैकल ले जाते हैं, जैसे 2 टैकल यहां पर इस मैच में निकाल दिए थे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई नकुबिटो की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बात कर लेते हैं अब टीम की, टीम में आपको बना के दिखाऊं, उससे पहले अगेन आपको याद दिला दूं भाई लाइक शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो, क्योंकि आपके एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बात कर लेते हैं टीम की, तो यहाँ से देखिए आर ससक मैटे, आई किरागा और एस मुटेबी। एस मुटेबी को मैं यहाँ से अपनी टीम में अभी के लिए लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से भाई देखिए अब आपको करना क्या है, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। अगर यहाँ से देखिए अगर एक कीजा स्टार्टिंग 7 में रहेगा तो एक कीजा को हम अपनी टीम में रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं रहेगा तो फिर भाई हम यहाँ से एम तेन्या को ले जाएंगे, बट अभी के लिए मैं एक कीजा और यहाँ से भाई पीयूष मुसुंगू को अपनी टीम में रखूँगा। तो यहाँ से भाई अभी के लिए मैं पीयूष मुसुंगू और एक कीजा को अपनी टीम में रख रहा हूँ। अगर ये नहीं खेलते तो एम तेन्या को हम अपनी टीम में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो अकमपुरीरा आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। इसके अलावा भाई आर तुमुसुजा अगर स्टार्टिंग 7 में रहेंगे तो आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेंगे, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में रहेंगे तो अगेन थोड़े रिस्की पिक हो जाएंगे। तो ऐसे एच मबोबो को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अगर यहाँ से भाई देखिए अगर एक कीजा स्टार्टिंग 7 में रहते हैं तो, और यहाँ से भाई कहा गया एम तेन्या, दोनों स्टार्टिंग 7 में रहते हैं, तो यहाँ से किसी एक को ट्राई करना है। फिर आप क्या करोगे, एस मुटेबी को अपनी टीम से निकाल कर, और आप यहाँ से भाई ट्राई कर सकते हो किसको, के किम्बुगवे को। ये बहुत ही शानदार प्लेयर रहेंगे आपके लिए, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। सीवीसी की बात कर लेते हैं तो कैप्टनसी भाई अभी भी मैं पीयूष मुसुंगू को देने वाला हूँ, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर और लगातार अच्छा कर रहे हैं। वीसी की बात करें तो भाई अभी के लिए मैं अकमपुरीरा को दे रहा हूँ, बाकी अगर आपको सेफ जाना है या फिर भाई आपको बिल्कुल प्योरली सेफ खेलना है तो भाई आर ससक मैटे आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो ना तो एच मबोबो को आप अपनी टीम में एज ए वीसी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है, लगातार आपको अच्छा करता दिखेगा। या फिर आई किरागा को अपनी टीम में रख सकते हो एज ए वीसी, ठीक है। बट अभी के लिए जो मेरी टीम है उसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं, कुछ इसी प्रकार की टीम आपको दिखेगी, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कुछ भी अगर अपडेट आएगी तो टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।